हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी खंडेवा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू माय थिंक में। लघु कथा श्रृंखला में आज हम आपके लिए लाए हैं सविता कोरवाल द्वारा लिखी गई एक कहानी जिसका शीर्षक है आधुनिक मित्रता। नमस्कार, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है आधुनिक मित्रता। दो सहेलियाँ थी, एक रेशमा जो हमेशा मतलब परस अपने फायदे के लिए कुछ भी कर जाती और दूसरी सुनंदा सरल स्वभाव सबका मन रखती निस्वार्थ। वो भी समय बीतता गया, दोनों का विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए। रेशमा हमेशा ही सुनंदा के भोलेपन का फायदा ही उठाया करती थी। सुनंदा की बेटी का विवाह तय हो गया। सुनंदा की बेटी के विवाह में रेशमा भी आई और वापसी में सुनंदा ने उसे ढेरों उपहार देकर विदा किया। उस समय पश्चात अचानक सुनंदा ने महसूस किया कि रेशमा के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा है। फोन भी उसके आने बंद हो गए और उसके फोन का भी वो रिस्पॉन्स नहीं दिया करती थी। टालम टोल उत्तर देती थी और ये अगर कर ले तो वो टालम टोल उत्तर देती थी। रेशमा की भी बेटी का विवाह होने वाला था, ये बात उसे किसी और से पता चली थी। और उधर रेशमा ने सोचा, अब मैं सुनंदा को निमंत्रण देती हूँ तो मुझे भी उसे उपहार देना पड़ेगा। ये सोचकर वह सुनंदा की उपेक्षा करने लगी। इतना ही नहीं, उसने वो जो कन्यादान का लिफाफा सुनंदा को देकर आई थी ना, वो भी खाली था। सुनंदा तुरंत समझ गई सारा माजरा, आखिर बचपन से समझती थी वो उसे। हालांकि रेशमा के संपन्नता में भी कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो सोच की। आखिरकार सुनंदा ने अब समझौता और अपनी सरलता को त्यागा हमेशा के लिए, इस एक तरफा दोस्ती को तिलांजलि दे दी। अपने आप में हल्कापन और सहज महसूस करने लगी। उसने सोचा, क्या फायदा ऐसी दिखावटी दोस्ती का। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट पे जरूर लिखिए, और यदि आपके पास भी ऐसी कोई रोचक कथा है तो आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।